Good morning student, welcome to CR International School Online Study System. बेटा आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपने घर पर ठीक होंगे और सेफ होंगे. बेटा लास्ट असाइनमेंट में हमने राज्य और उनकी राजधानियों के बारे में पढ़ा था. आज हम केंद्र शासित प्रदेश व राजधानियाँ और पड़ोसी देश के बारे में जानेंगे. बेटा हमारे देश में पहले 29 राज्य थे, ठीक है, और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अब 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं. केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं? केंद्र शासित प्रदेश ये वे प्रदेश होते हैं जिनकी अपनी चुनी हुई सरकार नहीं होती और इस पर क्या होता है, केंद्र सरकार का शासन होता है. देखो इनकी राजधानियाँ इस प्रकार है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पोर्ट ब्लेयर, दादर नगर हवेली की सिलवासा, दमन और दीव की दमन, दिल्ली की नई दिल्ली, चंडीगढ़ की चंडीगढ़, लक्षद्वीप की कावारती, पुदुचेरी की पुदुचेरी, जम्मू और कश्मीर की श्रीनगर और जम्मू, लद्दाख की लेह. जम्मू और कश्मीर और लद्दाख ये दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये अब केंद्र शासित प्रदेश बने हैं. पहले जम्मू और कश्मीर क्या था, राज्य था. अब धारा 370 हटने के बाद ये दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं और ये कब बने थे, 5 अगस्त 2019 को. भारत के पड़ोसी देश, पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, ये भारत के पड़ोसी देश हैं. और श्रीलंका, श्रीलंका भी पड़ोसी देश है. इन देशों की जो सीमाएं हैं हमारे भारत से स्थल से जुड़ी हुई है, ठीक है, स्थल से जुड़ी हुई है. और श्रीलंका किससे जुड़ा हुआ है, पाक जल संधि से. किससे जुड़ा हुआ है, पाक जल संधि से जुड़ा हुआ है. बेटा अब तक जितना वर्क करवाया है उसको अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है, अच्छी राइटिंग में लिखना है और याद करना है. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.